हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंगल ग्रोसरी में। तो आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस कुर्मा, जिसे बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। कुर्मा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे पनीर। पनीर हमने यहाँ पर 1 केजी लिया है और इसको हम पीसेस में काट लेंगे। तो अभी बड़ा बड़ा ही पीस काटिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी चीनी, चाशनी बनाने के लिए लिया है हमने। तो कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और इसमें हम चीनी डालेंगे। खुरमा बनाने के लिए आप पनीर थोड़ा सा हार्ड ही लीजिएगा, सॉफ्ट पनीर से खुरमा अच्छा नहीं बनता है। तो हमने कढ़ाई में चीनी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। खुरमा जो होता है ना, वो चाशनी में ही पकता है और खुरमा बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखिए, हमने पानी भी डाल दिया है। अब हम चीनी को पानी में घुला लेंगे। देखिए, हमारा चाशनी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो सारे पनीर को हम चाशनी में डाल देंगे। अगर आपको चाशनी कम लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं ऊपर से। पनीर डालकर इसको हम ढक कर 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए, हमारी चाशनी जो है वो पहले से कम हो गया है। थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे पनीर को। अभी हमारा पनीर सॉफ्ट है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर पका रहे हैं। जब हमारा पनीर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तब इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर इसे हम ढक कर पकाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा पनीर कैसा हुआ है अभी। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है अब। तो हमारा चाशनी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमारा पनीर जो है वो पहले से हार्ड हो गया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब जब आपका चाशनी कम होगा तब तब आप पानी डालते रहिएगा। गाढ़ा चाशनी में आपका खुरमा जो है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए आप पानी हमेशा डालते रहिएगा। जब आपको लगे कि हमारे पनीर को पानी की ज़रूरत है तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हमारा पनीर का कलर चेंज होने लगा है। यह हमने घर का पनीर लिया हुआ है। आपको हम एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि घर पर पनीर कैसे फाड़ा जाता है। फिर इसको ढक कर पकाएंगे। खुरमा बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको लग सकते हैं, क्योंकि खुरमा को हम चाशनी में पकाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक इसका कलर डार्क ना हो जाए तब तक इसको हम पकाते रहेंगे।
हमारा चाशनी फिर गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो खुरमा है अभी अच्छी तरह पका हुआ नहीं है। तो देखिए हमारा खुरमा का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। इलायची पाउडर खुरमा में ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम ढक्कन को हटा देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा चाशनी जो है वो गाढ़ा हो गया है। देखिए हर तरफ सब देख सकते हैं कि हमारा खुरमा जो है अच्छी तरह पक गया है, और हमारा जो चाशनी है वो अच्छी तरह खुरमा में चला गया है। देखिए इसको हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, जैसा हमको चाहिए। इसका कलर भी देख सकते हैं कि एकदम बाज़ार वाली खुरमा लग रही है, जैसा मार्केट में मिलता है ना वैसा ही। अब हम खुरमा को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे, तो एक एक पीस करके हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। चाशनी में हम ज़्यादातर तक खुरमा को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा चाशनी जो है वो खुरमा में जम जाएगा। लग रहा है ना एकदम बढ़िया देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने सारे खुरमे को निकाल लिया है, अब इस चाशनी का इस्तेमाल आप हलवा बनाने में कर सकते हैं। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म खुरमा बनकर तैयार हो गया है, अब इसे आप गर्म या फिर ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।